आज हम बात करेंगे मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में। वो होती क्या है, काम कैसे करती हैं इत्यादि। सबसे पहले हम उसे एग्जाम्पल से समझेंगे, बाद में उसे साइंटिफिक तौर पे डिस्क्राइब करेंगे। 1000 लोग हैं और वो एक दूसरे का हाथ एक साथ ऐसे पकड़े हुए हैं और 1 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाए हुए हैं। ऊपर से कमांड आता है कि सभी लोग अपने अपने हाथ 1 मीटर तक सिकुड़ लीजिए इस तरह से। तो सभी ऐसा करते हैं तो नेट रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, वो जो 1 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन है वो सभी अगर अपने अपने हाथ सिकुड़ेंगे तो जो छोटी होकर आधे किलोमीटर की हो जाएगी। फिर से ऊपर से कमांड आता है कि अभी आप वापस उसी पोजीशन में चले जाइए जिस तरह पहले थे, माने कि ऐसे सिकुड़े हुए हाथ आप इस तरह से फैला दीजिए, तो फिर से वो आधे किलोमीटर लंबी लाइन 1 किलोमीटर की हो जाएगी। ऐसा ही कुछ शरीर में मसल्स के साथ होता है। वो जो 1000 लोग हैं वो एग्जाम्पल दिया हमने, वो मसल सेल हैं, और जो वो लंबी ह्यूमन चेन है वो मसल्स है। और वो जो मसल सेल्स हैं जिन्हें सिकुड़ने के लिए या रिलैक्स होने के लिए जो बॉस आज्ञा देता है या कमांड देता है वो बॉस है हमारा दिमाग। वहाँ से नर्व्स के थ्रू वो मसल सेल्स के अंदर ऐसा सिग्नल भेजता है जिसे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ह्यूमन्स को हाथ सिकुड़ने के लिए बोला गया तो ह्यूमन चेन छोटी हो गई, वैसा ही शरीर के अंदर मसल्स में वो ह्यूमन का काम करता है मसल सेल्स, जिसे हम सार्कोमेर बोलते हैं। सार्कोमेर में 2 तरह की फिलामेंट होती है, बीचों बीच थिन फिलामेंट और उसके ऊपर दोनों बाजू ऐसे थिक फिलामेंट रहती है। थिक फिलामेंट्स के बीच में थिन फिलामेंट रहती है। जैसे नर्व्स में से सिग्नल आएगा तो ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से जुड़ जाएगी और थिक फिलामेंट को अपने आप अपने ऊपर सरकने देंगी। ऐसे एक मसल सेल छोटा होगा, बाजू वाला मसल सेल छोटा होगा, इसके बाजू वाला मसल सेल छोटा होगा, तो नेट रिजल्ट के तौर पर पूरा मसल सिकुड़ने लगेगा। अब वो जो मसल है उसके 2 छोर होंगे, पहला छोर किसी और हड्डी से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा छोर किसी और हड्डी से जुड़ा हुआ होगा। जिस छोर से वो मसल शुरू होता है उसे हम ओरिजिन ऑफ मसल्स बोलते हैं और जिस छोर पे वो ख़त्म होता है उसे हम इंसर्जन ऑफ मसल्स बोलते हैं। मान लीजिए ये जो आपका बाइसेप्स मसल है वो यहाँ से शुरू होकर, इस हड्डी से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। तो अब क्या होगा, जब आप बाइसेप्स मसल को सिकुड़ेंगे, ब्रेन जैसे सिग्नल देगा बाइसेप्स मसल को सिकुड़ने के लिए, तो ये मसल सिकुड़ेगा तो ये दोनों हड्डियों को नजीक लाएगा और इसकी वजह से हमारी ये हैंड मूवमेंट ऐसे ये पॉसिबल हो पाएगी। इसके नीचे ही एक और मसल्स होता है, ट्राइसेप्स मसल, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इस हड्डी तक जुड़ता है। जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो ये जो हाथ ऐसे हो रखा है वो ऐसे फैल जाएगा। ऐसे मसल्स काम करते हैं, 2 हड्डियाँ जहाँ पे वो ओरिजिन और इंसर्जन होता है, जब वो सिकुड़ेगा तो उस दोनों हड्डियों को एक दूसरे के करीब लाएगा और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। पूरे शरीर के अंदर 650 से ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं और हर मांसपेशी को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का अलग अलग एरिया कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आपका जो घर है उसमें 6 पंखे हैं, सभी पंखे कोई एक ही स्विच से शुरू नहीं होंगे, सभी पंखे के लिए अलग अलग स्विच होगी, वैसे ही हर मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अंदर अलग अलग एरिया होते हैं। ब्रेन उस एरिया से स्पेसिफिक नर्व्स फाइबर के द्वारा वहाँ पर सिग्नल भेजता है और तब जाकर वो हैंड मूवमेंट पॉसिबल, हैंड मूवमेंट या कोई भी ऑर्गन की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। अब बात करते हैं ऐसी बीमारी की जिसके अंदर आप चाहो फिर भी वो मसल्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जैसे आपके हाथ की मूवमेंट है, आप बहुत सोचते हो, आप ट्राई करते हो अपने हाथ को हिलाने की लेकिन वो नहीं हिल रहा है, जिसे हम देसी भाषा में लकवा मार गया, पैरालिसिस ऐसा बोलते हैं। तो पंखे के उदाहरण से हम समझते हैं इसे कैसे होगा। देखो आपने स्विच शुरू की फिर भी पंखा चालू नहीं हुआ, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो पंखा ही ख़राब हो गया है, या पंखे तक जो सिग्नल पहुंचा रहा है वो वायर ख़राब हो गया है, या वो स्विच ही बिगड़ गई है। वैसे ही मसल्स के अंदर यानी कि जो पंखा है वो हमारा मसल्स है, वो कुछ ख़राब हो गया है, उसके अंदर कोई दिक्कत है, मान लीजिए इन्फार्क्शन हो गया है यानी कि उसे खून नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो मसल्स ही मर चुका है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है नर्व्स यानी कि जो वायर है जो दिमाग से वो मसल्स तक सिग्नल ले जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, कोई इंजरी हो गई है या वो कट गई है, फिर भी आप चाहो तो भी अपना हाथ नहीं हिला पा रहे हो। और तीसरा है स्विच यानी कि आपका मस्तिष्क, कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण आपके मस्तिष्क के उस एरिए में रक्त नहीं पहुंच रहा है, जैसे मान लो हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, TIA अटैक हो गया, इत्यादि बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से मस्तिष्क का वो एरिया जो आपके इस एरिए को सिग्नल पहुंचा रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है, तब जाकर ये मसल्स मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ये 3 उदाहरण हुए, पंखे से हमने समझाया कि
अगर आपका मसल्स हिल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो किन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए लोग लकवे से ज़्यादा डरते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आपका मसल्स मूव नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और वो जो ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई उसको आपने 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर नहीं सुलझाया तो हो सकता है वो डैमेज हुआ हो मस्तिष्क में, वो परमानेंट हो जाए। इसलिए उसकी चिकित्सा बहुत जल्दी से करनी पड़ती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कौन कौन सी टेस्ट करवानी पड़ेगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी डॉक्टर सोच के रखता है? सबसे पहले तो वो ECG करवाएगा, क्योंकि अगर हृदय में कोई दिक्कत है और हृदय वहाँ तक खून नहीं पहुँचा रहा है तो सबसे पहले हृदय की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले ECG आता है। दूसरा पॉइंट वो सोचेगा स्ट्रोक या हेमरेज के बारे में, इसलिए वो आपका ब्रेन का CT स्कैन करवाएगा, क्योंकि CT स्कैन का रिपोर्ट MRI की तुलना में बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपके डॉक्टर को लगा कि आपका जो खून है उसे पतला करने की ज़रूरत है, तो वो ऐसी दवाई देगा जिसकी वजह से आपका खून पतला हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए, और वो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक दूसरे से चिपक ना जाए। यानी सबसे पहले वो आपके शरीर के वाइटल्स नापेगा, उसके बाद खून की जांच, MRI, CT स्कैन आदि प्रक्रिया करवाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सी यू सून। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।